देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। जो एग्जिट पोल की बाढ़ आई है उसमें भी बताया जा रहा है कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे शख्स होंगे कि कंटिन्यूअस तीसरी बार शपथ लेंगे। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं। एग्जिट पोल आपके लिए कभी खुशी कभी गम टाइप का फील कर रहा है। आपने कहा था 14 में 14, उसमें थोड़ा आपको कम दिखाया जा रहा है। एक दो एग्जिट पोल की बात कर दे तो 400 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। पहली बात तो मैं कहूँगा कि एग्जिट पोल भी अपना एक अनुमान होता है, उनका सर्वे के हिसाब से वो करते हैं। अब वो भी बार बार कहते हैं कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल ये नहीं है, तो इसलिए हमें ये कोई दुविधा में नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही पिछले 2019 में ही 303 सीटें जीते हुए थे, और एनडीए गठबंधन को अगर आप जोड़ते हैं तो ये 350 से अधिक सीटें थी। तो कोई बहुत बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा था या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं रखा था। उन्हें तो इतना ही कहा कि भाई हम 400 पार इस बार ले जाएंगे, और उसके लिए भी आप देखे होंगे रात में एग्जिट पोल आप देख रहे होंगे, बंगाल में हमारी सीट बढ़ रही है बीजेपी के, बगल के उड़ीसा में भी सीट बढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में भी, केरल में भी सीट, सब देश के सभी हिस्सों में सीटें बढ़। फिर इसके बाद बचा यूपी में भी सीट बढ़ रहा है, अब एग्जिट पोल ही मैं बता रहा हूँ। तो स्पष्ट है कि ये 400 पार आप 4 तारीख को देख लीजिए। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब कह रहे हैं कि ये लोग मीडिया को तो अपने बस में ही रखा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बोल रहे, किसी भी सूरत में आप प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेंगे। 295 का उन्होंने तो बैठक भी कर लिया, आगे की रणनीति भी बना ली कि कौन दावा पेश करने जाएगा, किसके नेतृत्व में, हालांकि उनका खुलासा नहीं हुआ, पर बोल रहे 295 से एक सीट कम नहीं आएगा, उससे अधिक आएगा इंडिया एयरलाइंस। देखिए उनको पता था कल के बाद उनके साथ बैठने वाले लोग नहीं मिलेंगे, फिर तोड़फोड़ मचाएंगे आप लोग। नहीं नहीं, तोड़फोड़ की बात नहीं कर रहे, तो पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। अरे तो जब अगर सब हारेंगे तो एक साथ रहेंगे ना। अरे इसलिए कह रहे हैं ना, इसके बाद कोई कहाँ मिलेगा, फिर सब लोग को भवन में चले जाएंगे। इतने यकीन के साथ आप? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना भाई, जान रहे हैं ना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 365 दिन पार्टी मेहनत कर रही है, और ये लोग सिर्फ दिल्ली में यहाँ वहाँ बैठ करके मीटिंगें करके अगर सोच रहे हैं कि लोग सीटें आ जाएगी, तो जनता आज की तारीख में इतना बेवकूफ़ नहीं है। हमारी पार्टी मेहनत कर रही है, सरकार मेहनत काम कर रही है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मैंने पूरी यकीन के साथ कह सकती है कि भाई आज वो बैठक कर लिया तो जानता है वो, क्योंकि 4 के बाद बुलाएंगे तो कोई आएगा ही नहीं। बाबूलाल जी, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, एक इंडिया अलायंस में जितनी संख्या है दलों की, क्या आपको लग रहा है कि 4 के बाद वो फिर से बिखर जाएगा इंडिया अलायंस? अरे 4 के बाद फिर चुनाव आएगा, उस समय देखेगा लोग जुटेगा, तब तक फिर, लेकिन तुरंत तो कोई मिलने वाले नहीं है उनको, खड़गे के बुलाने के बाद तुरंत कोई आने वाले नहीं है, वो खड़गे जी को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए उन्होंने सब काम पहले बुला लिया लोगों को। कुछ कम्युनिस्ट लोग कह रहे हैं कि देश में आज भी विकास यही हुआ है कि 5 किलो का अनाज ज़्यादा बोल रहा है, 2 जून की यही सच्चाई है, 5 किलो के अनाज के भरोसे देश को गुलाम करने की कोशिश हो रही है। चाहते हैं कि गरीब जो भी है अगर एक सपोर्ट मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है, तो क्या चाहते हैं, गरीबों को कोई सहारा नहीं मिले भाई? जब कुछ नहीं देते हैं तब ये लोग परेशान होते हैं, जब देते हैं तब परेशान होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा कि भाई हम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, लेकिन हम इसलिए उनको अगले 5 साल तक देंगे ताकि अपने पैरों पर वो खड़े हो सके। बल्कि उन्होंने और समझाया है, अगर ये लोग नहीं समझते हैं तो उनके भाषण को लोग सुन ले, उन्हें कहा कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल से रिलीज होते हैं, डॉक्टर उनको क्या कहता है कि आप अच्छे हो गए, आप घर जाइए, लेकिन आप ये खाइए इतना दिन,
दूध लीजिएगा एक पौवा, डाइट चार्ट उनको दे देते हैं कि भाई आप इसको फॉलो करें। तो इतना अच्छे ढंग से देश के प्रधानमंत्री ने समझाया, तब भी ये लोग समझने को तैयार नहीं, तब क्या करेंगे उन लोग पे। एक आरोप और कांग्रेस लगा रही है, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी, लेकिन वो कह रहे कि वहाँ भी तो सुनवाई नहीं है। और प्रधानमंत्री जी 1 तारीख तक प्रचार करते रहे देश में, बोले भारत ने पहले ऐसा इंसान को देखा है जो साधना भी करता है कैमरा लेके, 5-5 वीडियो कैमरा, स्टील कैमरा रहता है, तब कोई आदमी ध्यान लगाता है। बोले ऐसा देश तो कभी भारत नहीं था, क्या ऐसा ही भारत बनाना चाहते हैं? देखो, देश के प्रधानमंत्री कोई भी काम छुप के नहीं करना चाहते। ये कांग्रेस के जो शहजादे हैं कभी कभी गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ गए हैं। भाई जब सार्वजनिक जीवन में आदमी जीता है तो साधना भी कर रहे हैं, वो खुद साधना कर रहे हैं, आप टेलीविजन घुमा उससे क्या अंतर पड़ता है? और हर कोई प्रधानमंत्री की एक्टिविटी को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी जुर्म कर दिया हो? तो बेचारा जाकर के चुपचाप ध्यान में लग गए। वो करे प्रचार का तरीका है भी नहीं रहे। हम बोलेंगे आप प्रचार का तरीका अगर आप मान लें, प्रचार तो हमारा वही लोग कर रहे हैं, अधिक कांग्रेस वाले कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि भाई खुशी है कम से कम मोदी जी तब कर रहे हैं, बीजेपी वाले कहीं प्रचार करते हुए देखे? प्रचार कौन कर, खड़गे कर रहे थे, प्रचार कम्युनिस्ट वाले कर रहे थे, राजद वाले कर रहे थे, उन्हें जितना इंडिया अलायंस के जितने लीडर्स हैं वो लोग खूब प्रचार कर रहे थे। हम लोग को अच्छा लग रहा था कि चलो भैया ये लोग प्रचार कर रहे हैं, कम से कम अब हम लोग को प्रचार नहीं करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं बाबूलाल जी, जब आप भविष्यवाणी ही कर रहे पिछले 4 सालों में, कई एक भविष्यवाणी तो आपकी सटीक भी बैठ रही है, क्या झारखंड में भी वो आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस अलग अलग बैठना शुरू कर देगा? नहीं, झारखंड के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, अब आने वाला कल हम भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, साथ बैठे अलग बैठे, अभी भी वो लोग साथ ही था, लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आप देख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल को ही आधार मानेंगे जिसमें उन्होंने कम हमें दिखाया है, उसका एग्जिट पोल हम उसको बिल्कुल नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या में अभी भी हमको डाउट है। अब संख्या में कैसे डाउट है, एक में कह रहा है 8 से 10 सीट, क्या बोलते हैं 8 से 10 सीट, ठीक है ना, और एक में कह रहा है 2 से 3, तो कोई भी हम गणित जहाँ जोड़ रहे हैं तो गणित 14 बैठता ही नहीं है, या तो वो 15 चला जाता है या 13 चला जाता है। तो डाउट में रखें प्लस वन मतलब दो आगे नहीं, फिर भी आगे पीछे 8-2 का मतलब यही नहीं हो गया भाई, या तो 10 होगा, ठीक है, और 2 और 3 का मतलब क्या हुआ, या तो 3 होगा, मान ले अगर हम 10 जीते और वो 3 जीता तो 13 ही होगा ना, फिर 1-2 कहाँ चला गया? आदर्श को भी उन लोगों ने देख रखा। नहीं नहीं, मैं कह रहा आप उसको देख लीजिएगा और से, तो हमको लगता है शायद उसको बिठाने में वो लोग हड़बड़ करने में थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा, अगर संख्या तो मिलना चाहिए ना कहीं ना कहीं। आपको अभी भी उम्मीद है 14 के 14 से? अरे भैया उम्मीद क्या है, 14+ एक विधानसभा को उपचुनाव। शुक्रिया। एग्जिट पोल आ गया है, नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता का मिजाज क्या है वो 4 तारीख को ही सही पता चलेगा, जिसको एग्जिट पोल कह सकते हैं। उस दिन का इंतजार कीजिए, और जो भविष्यवाणी कह रहे हैं कि फिर साथ बैठने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, उसका भी इंतजार करना होगा कि क्या वाकई में देश की राजनीति उसी ओर जाएगी। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.